गुड मॉर्निंग सभी फ्रेंड फ्रेंड को हैप्पी मकर संक्रांति की और ये सारी शुभकामनाएँ। तो आप लोग बताइए अभी सोकर उठे रहे हैं क्योंकि समय 4 बज रहा है। सुबह में हम सोकर उठ गए हैं क्योंकि आज घर पे बहुत काम करना है। इधर देखिए अभी हम बिस्तर में हैं, आप चलते हैं अपना काम शुरू करेंगे, आज आप लोगों को दिखाएंगे। और आप लोग ज़रूर बताइएगा आपके यहाँ 15 तारीख को मकर संक्रांति है कि 14 तारीख को है, क्योंकि हमारे यहाँ तो 2 दिन मनाया जा रहा है। तो हम उठ रहे हैं, चलते हैं, आपको ले चलते हैं। आज हम कैसे कैसे काम करेंगे आप लोग को ज़रूर दिखाएंगे। आप लोग बने रहिएगा हमारे वीडियो में, क्या क्या हमें करना है आज, कैसे कैसे करना है, क्या बनाना है मकर संक्रांति के दिन, यानी खिचड़ी के दिन। चलिए ठीक है, आप लोग बने रहिए। से अब हम उठ रहे हैं सो करके, आप देख रहे हैं इधर मेरा बिस्तर लगा था, इधर मेरा बिस्तर है और अब हम उठ रहे हैं अपने बिस्तर से। चलते हैं ले चलते हैं, मेरा चप्पल कहाँ है, यहाँ पर मेरा चप्पल है। देखिए दोस्त आ गए हैं अपने किचन में, यही मेरा किचन है, आप लोग देख रहे हैं। और वहाँ पर बर्तन निकाल के रखे हैं क्योंकि रात में तबीयत नहीं सही था, इसलिए किचन नहीं साफ कर पाई, तो जैसे का तैसे सब कुछ वैसे ही पड़ा था, आप लोग देख रहे हैं इधर। तो चलते हैं फटाफट साफ करेंगे क्योंकि दिखा तो नहीं पाएंगे, एक हाथ से बनाते हैं इसलिए दिखा नहीं। फ्रेंड अब हम यहाँ पर अपना घर लीप ऊपर के एकदम पूरा चिकन कर दिए हैं, साफ सफाई हो गया है, आप लोग देख रहे हैं हमारा घर। ये नीचे का रूम है क्योंकि सीना बहुत ज़्यादा है इसमें, और हम यहाँ पर अपना सब सफाई सब कुछ काम रेडी हो गया है। तो अब आप लोगों को ले चलते हैं, अब रसोई में क्या क्या रखा है उसको तो पहले दिखाएंगे, उसके बाद नहा करके पूजा करके तब कुछ बनाएंगे। और यह तो मतलब घर मेरा पूरा आप लोग दिखने कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो फर्श मैं धोई हूँ उससे अच्छा मुझे ये लग रहा है, ये तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इसको इसको लिपाई पुताई हो जाती है तो जो कच्चा घर रहता है वो बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए ठीक है, अब लोगों को हम दिखा देंगे और ले चलते हैं। दोस्त अब हमारी सब तैयारी रेडी हो गई है क्योंकि झाड़ू पोछा सब लिपाई पुताई करके, यहाँ पर अब लहसुन हमारा, यहाँ पर आलू है, यहाँ पर धनिया है, यहाँ पर गोभी है, यहाँ पर टमाटर है, यहाँ पर मटर है। अब हम चलते हैं क्या बनाएंगे, तो मेरा किचन है छोटा सा प्यारा सा, तो चलिए ठीक है अब हम चलते हैं। पहले थोड़ा चाय बनाएंगे, उसके बाद चाय पानी करके तब कुछ बनाएंगे नहा धो करके। चलिए ठीक है, आप लोग ऐसे बनी रही दोस्त। तो अभी मेरा यहाँ चना का बेसन तैयार हो गया है क्योंकि हम भून लिए हैं, खड़ा चना लिए थे भुना हुआ, तो हम इसको मतलब मेरा बेसन तैयार हो गया है। तो आप लोग चलिए बनी रहे हमारे ब्लॉग में, हम दिखाते हैं आज खिचड़ी के दिन मकर संक्रांति के दिन क्या बनाएंगे क्या बनाएंगे। और देख रहे हैं आप लोग मेरा ये सतुआ के लिए यहाँ प्याज, एक नींबू, हरी कटी मिर्च, अदरक, धनिया, लहसुन 2-3-4-5 खड़िया है और ये सब। और यहाँ पर मेरा आटा गूंथा हुआ है, आप लोगों को दिखा रहे हैं क्योंकि अभी चलते हैं, हम आप लोग को बताएंगे क्या हम बनाने वाले हैं इसका। यहाँ पर तो सत्तू मतलब चने का सत्तू मेरा तैयार हो गया है। और इधर खिचड़ी के लिए मेरा ये मटर है, इधर आलू है, इधर धनिया है, इधर गोभी है, इधर 2 टमाटर हैं, यहाँ पर अभी लहसुन है, अदरक है, मिर्चा है, ये सब रखी हूँ, छीलना काटना है इसको। यहाँ पर चावल है, चावल में उड़द डाला हुआ है क्योंकि हमारे यहाँ तो मतलब गांव में तो उड़द सब लोग शुद्ध मानते हैं, खिचड़ी दिन तो उड़द चावल भी छूते हैं। तो चलिए ठीक है, आप लोग ऐसे बने रहे हमारे ब्लॉग में, हम तैयार कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं अपना वो जो सत्तू है, सत्तू का मसाला है मैंने तैयार कर रहे हैं। तो ठीक है, आप लोग बने रहे हमारे ब्लॉग में ऐसे। फ्रेंड यहाँ मेरा मसाला बनके तैयार हो गया है, आप लोग देख रहे हैं क्योंकि एक हाथ से दिखा रहे थे इसलिए नहीं दिखा पाए हैं। तो चलिए ठीक है, तभी आप लोग मेरी वीडियो का सपोर्ट करते हैं। इधर हम अब भाटी बनाने जा रहे हैं, तो आप लोग ऐसे बने रहिए हमारे ब्लॉग में। दोस्त मेरी यहाँ भाटी बनके तैयार हो गई है, अब हम जा रहे हैं अपने बड़े कुकर में, ये मेरा बड़ा कुकर है इसमें भाटी बनाएंगे, और जो छोटा कुकर है ये वाला इसमें खिचड़ी बनाएंगे। आप लोग भी मेरा कुकर देख रहे हैं, ये 5 लीटर वाला है, तो भाटी इसमें आराम से पक जाएगी धीमी आंच करके, क्योंकि उपली पे नहीं बनाऊंगी वो तो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है क्योंकि उसमें राखी थोड़ा वैसे काला हो जाता है, इसमें जो लिट्टी बनाती हूँ बहुत अच्छी बनती है भाटी। तो ठीक है, इसको हम अब गैस पे रख रहे हैं क्योंकि यहाँ लाइट नहीं है, इसलिए हीटर पे नहीं बनाएंगे।
चलिए ठीक है, आप लोग बने रहे हमारे ब्लॉग में। अब हम शुरू करने वाले हैं अपनी भाठी बनाने का काम। यहाँ पर मेरा गैस जो है जल चुका है, अब इसमें हम तेल थोड़ा लगा करके तो आप लोगों को दिखाएंगे। तो देख रहे हैं फ्रेंड, मेरी खिचड़ी बनके यहाँ रेडी हो गई है। यहाँ मेरी लिट्टी है, अभी लिट्टी इसमें भी कुछ है, आप लोग देख रहे हैं। तो चलिए ठीक है, और खिचड़ी इसमें भी अभी है, इस कुकर में भी। तो चलिए ठीक है, तो मेरा दूध बॉयल हो रहा है और हम लोग चल रहे हैं अब खाने के लिए। तो आप लोग हमें बहुत ढेर प्यार दुलार दीजिए, कमेंट में बताइएगा मेरी रसोई ब्लॉग आप लोगों को कैसी लगी। और ये तो मतलब खिचड़ी का ब्लॉग है, रसोई ब्लॉग और मकर संक्रांति का। तो चलिए ठीक है, हैप्पी मकर संक्रांति सभी दोस्तों को। मैं अपनी वीडियो अभी यहीं पर एंड करती हूँ, तो आप लोग से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो।